हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रूथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपर सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुलसी पैटर्न पर मुलसी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जीशुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह ये किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को फिल्म आधारित है सी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बी रावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो 26 नवंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट चालीस करोड़ रुपये का था और इस फिल्म ने उनसठ करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि यह दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है G5 के जी हां के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पे बैठकर देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबोगरीब संवादों से अपसेट है जो आपको तमाम क़यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और जीशु सेन गुप्ता ने पीत्या बागरे का रोल कर रहा है करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की मां का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाऊ के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वाष्यादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिव उर्फ सिंदे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कम्प्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसुर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और सब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही ज़मीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी ज़मीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलती से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर रहा, नाम कर एक कम एक उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नानिया ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उसे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उसकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भाव पयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर आ, बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रुथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस केलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न पर मुंशी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जिसुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह ये किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को आ, फिल्म आधारित है सी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बी रावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो 26 नवंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का टोटल बजट चालीस करोड़ रुपये का था और इस फिल्म ने उनसठ करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि यह दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है जी के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पर बैठ देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबो गरीब संवादों से अपसेट हैं जो आपको तमाम क़यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और सेन गुप्ता ने पितया बागरे का रोल कर रहा करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की मां का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाऊ के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वाष्यादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिविर शिंदे उर्फ सिंधे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसरूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और सब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलती से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर नाम कर एक कम एक आ, उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नानिया ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उससे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उनकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भाव पयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फ़ैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फैन है तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रूथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस के के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुलसी पैटर्न पर मुलसी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जिसुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह यह किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ साली ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को आ, फिल्म आधारित है मूलसी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बी रावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक तो मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो 26 नवंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 40 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने उनसठ करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि यह दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है जी के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि या आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पे बैठकर देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबों संवादों से अपसेट हैं जो आपको तमाम क्यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और जीशु सेन गुप्ता ने पित्या बागरे का रोल कर रहे करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की मां का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाव के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वाषादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिविर उर्फ सिंदे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसरूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और सब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के इर्द-गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलती से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर रह, नाम कर एक कम एक आ, उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नान्या ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उसे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उनकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भावह पयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर बहुत सारे इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फ़ैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रुथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन से, कौन से ओ टी डी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न पर मुंशी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जिसुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह यह किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को फिल्म आधारित है मूलसी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बीरावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया, किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो छब्बीस नवंबर दो को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 40 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने उनसठ दशमलव एक एक करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 69 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि ये दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर देखना चाहिए तो ये फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों ये फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है G5 उपर, जी फाइव के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ टी टी के प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने इक्कीस परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पे बैठकर देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबों संवादों से अपसेट हैं जो आपको तमाम क्यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और जीशु सेन गुप्ता ने पीत्या बागरे का रोल कर रहे करते हुए दिखे हैं दया बागड़े के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की माँ का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाऊ के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वास्यादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिविर उर्फ सिंदे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसुर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और शब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी ज़मीन बेचने और अपनी ही ज़मीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और अपनी ज़मीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगेस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलत से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर नाम कर एक कम एक उनकी हत्या का नाम कमा लेता है और नानिया ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उससे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उसकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भाव भयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर आ, बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखेगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रुथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न पर मुंशी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जिसुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह यह किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को फिल्म आधारित है सी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बी रावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो 26 नवंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का टोटल बजट चालीस करोड़ रुपये का था और इस फिल्म ने उनसठ करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि यह दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है जी के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहां घर पे बैठकर देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पांच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दी और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पांच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पांच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबोगरीब संवादों से अपसेट है जो आपको तमाम क़यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और जीशुसेन गुप्ता ने पित्या बागरे का रोल कर रहा है करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की माँ का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाव के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वाष्यादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिव सिंदे उर्फ सिंदे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसरूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और शब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलती से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर नाम कर एक कम एक आ, उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नानिया ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उसे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उसकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भाव पयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर आ, बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रुथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुलसी पैटर्न पर मुलसी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जीशुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह ये किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को फिल्म आधारित है मूलसी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान, खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बीरावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो 26 नवंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 40 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने उनसठ दशमलव एक एक करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि ये दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो ये फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो ये फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों ये फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है G5 के जी हां के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पर बैठकर देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजक के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबोगरीब संवादों से अपसेट हैं जो आपको तमाम क़यामत खान की हुँ? तमाम क़यामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और जीशुसेन गुप्ता ने पीत्या बागरे का रोल कर रहे करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की मां का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाव के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे सामाजिक सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावर का रोल किया है और वाषादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर रामशिव शिव सिंधे उर्फ सिंधे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसरूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और शब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी ज़मीन बेचने और अपनी ही ज़मीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलत से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर नाम कर एक कम एक, एक उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नान्य ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उससे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उनकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भावह पयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर आ, बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फ़ैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रुथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस के के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुलसी पैटर्न पर मुलसी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जिसुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह यह किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को आ, फिल्म आधारित है मूलसी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बी रावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक तो, मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो छब्बीस नवंबर दो को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 40 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने उनसठ दशमलव एक एक करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि यह दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है G5 के जी हां के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पे बैठकर देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबोगरीब संवादों से अपसेट हैं जो आपको तमाम क़यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और जीशु सेन गुप्ता ने पितया बागरे का रोल कर रहे करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की मां का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाव के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावर का रोल किया है और वाष्यादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिविर उर्फ सिंधे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसरूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और सब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलत ती से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर नाम कर एक कम एक उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नानिया ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उसे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उसकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भाव भयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर आ, बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रुथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुलसी पैटर्न पर मुंशी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जिसुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह यह किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को फिल्म आधारित है मूलसी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बीरावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक तो ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियोज के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो छब्बीस नवम्बर दो को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 40 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने उनसठ दशमलव एक एक करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि ये दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है G5 के जी हां के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहां घर पे बैठकर देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबों संवादों से अपसेट हैं जो आपको तमाम क्यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और जीशु सेन गुप्ता ने पीत्या बागरे का रोल कर रहा है करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की मां का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाव के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वाष्यादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिविर उर्फ सिंदे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और सब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी ज़मीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुलिया पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और अपनी ज़मीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलत से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर नाम कर एक कम एक उनकी हत्या का नाम कमा लेता है और नानिया ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उससे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उसकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भाव भयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर आ, बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रुथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी, भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुलसी पैटर्न पर मुलसी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जिसुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह यह किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को फिल्म आधारित है सी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बी रावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो 26 नवंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का टोटल बजट चालीस करोड़ रुपये का था और इस फिल्म ने उनसठ करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि यह दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है जी के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पे बैठकर देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबों संवादों से अपसेट हैं जो आपको तमाम क्यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और जीशु सेन गुप्ता ने पीत्या बागरे का रोल कर रहा है करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की माँ का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाऊ के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वास्यादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिव उर्फ सिंदे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसरूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और शब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी ज़मीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलती से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर नाम कर एक कम एक, एक उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नानिया ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उसे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उनकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भाव पयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर आ, बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रुथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन से? कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फाइनल ट्रूथ के, के इंटरेस्टिंग साथ साथ की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुलसी पैटर्न पर मुलसी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जीशुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह ये किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को फिल्म आधारित है मूलसी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बी रावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक तो ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो 26 नवंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का टोटल बजट 40 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने उनसठ दशमलव एक एक करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि यह दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है जी के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पे बैठकर देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबोगरीब संवादों से अपसेट है जो आपको तमाम क़यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और सेन गुप्ता ने पीत्या बागरे का रोल कर रहा है करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की माँ का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाऊ के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वाषादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिव उर्फ सिंदे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसरूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और सब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलती से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर रख नाम कर एक कम एक आ, उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नानिया ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उसे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उनकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भावह प्यावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रूथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फ़ैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस के के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न पर मुंशी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जिसुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह ये किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को फिल्म आधारित है सी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बी रावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो 26 नवंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का टोटल बजट चालीस करोड़ रुपये का था और इस फिल्म ने उनसठ करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि यह दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है जी के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पर बैठ देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबों गरीब संवादों से अपसेट हैं जो आपको तमाम क़यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और सेन गुप्ता ने पितया बागरे का रोल कर रहा करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की माँ का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की, की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाऊ के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावर का रोल किया है और वाष्यादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिविर सिंधे उर्फ शिंदे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और सब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी ज़मीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलत से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर नाम कर एक कम एक उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नान्या ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उससे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उसकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भाव पयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर आ, बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रुथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी डी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न पर मुंशी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जिसुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह यह किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को फिल्म आधारित है सी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बीरावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो 26 नवंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का टोटल बजट चालीस करोड़ रुपये का था और इस फिल्म ने उनसठ करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि यह दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है जी के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि या आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पे बैठकर देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबों संवादों से अपसेट हैं जो आपको तमाम क्यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और जीशु सेन गुप्ता ने पित्या बागरे का रोल कर रहा है करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की मां का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाव के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वाषादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिविर उर्फ सिंधे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसरूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और सब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलती से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर नाम कर एक कम एक आ, उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नान्या ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उससे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उनकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भावह भयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर बहुत सारे इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फैन है तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रुथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फ़ैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुलसी पैटर्न पर मुलसी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जिसुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह यह किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ साली ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को फिल्म आधारित है मूलसी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बीरावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो छब्बीस नवंबर दो को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट 40 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने उनसठ दशमलव एक एक करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि ये दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है G5 के जी हां के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पर बैठ देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबों संवादों से अपसेट हैं जो आपको तमाम कयामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और जीशु सेन गुप्ता ने पीत्या बागरे का रोल कर रहा करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की माँ का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाऊ के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वास्यादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिविर उर्फ सिंदे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसरूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और सब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी ज़मीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और अपनी ज़मीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलती से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर नाम कर एक कम एक उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नान्या ग्राहक ग्राहक को गवाह की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उसे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उसकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भावह पयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रूथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग साथ -साथ की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुलसी पैटर्न पर मुलसी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जीशुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह यह किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को आ फिल्म आधारित है मूलसी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बी ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो 26 नवंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का टोटल बजट 40 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने उनसठ दशमलव एक एक करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर सिक्सटी नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि ये दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो यह फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है G5 जी फाइव के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ टी टी के प्लेटफॉर्म जी फाइव के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने इक्कीस परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पे बैठकर देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबोगरीब संवादों से अपसेट है जो आपको तमाम कयामत खान की हुँ, तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंदा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और जीशु सेन गुप्ता ने पीत्या बागरे का रोल कर रहा है करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की माँ का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाऊ के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वाष्यादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिव उर्फ सिंदे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसूर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और शब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी जमीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलती से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर रह, नाम कर एक कम एक आ, उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नान्या ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उसे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उनकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भावह भयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अंतिम द फाइनल ट्रूथ तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल और कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सर के फ़ैन हैं और उनकी एक्शन फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानने चाहिए वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन संगीत उत्पादन वितरण बजट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही लोगों ने इस फिल्म को कितनी वोटिंग करी ये भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करके बताएंगे कि यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ यह फिल्म दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो महेश मांजरेकर और महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म द्वारा निर्मित है जी स्टूडियोज द्वारा वितरित यह मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न पर मुंशी पैटर्न का रूपांतरण है और इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महिमा मकवाना और जीशुसेन गुप्ता ने काम किया है फिल्म एक सिख पुलिस अधिकारी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं और एक गैंगस्टर जिसका रोल आयुष शर्मा कर रहे हैं उनके बीच उनके बीच आमना सामना के इर्द गिर्द घूमती है और मूल की तरह ये किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जो उनमें से कुछ को अपराध की तरफ धकेल देती है बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है महेश मांजरेकर ने और कहानी महेश मांजरेकर अभिजीत देश और सिद्धार्थ सालवी ने लिखा है फिल्म की कहानी प्रवीण दोपहर की है और फिल्म की को आ, फिल्म आधारित है सी पैटर्न के ऊपर इस फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान के द्वारा और इस फिल्म को छायांकित किया है करण बी रावत ने फिल्म को संपादित किया है नागा विद्रोह ने और इस फिल्म में संगीत दिए हैं रवि बसरूर हितेश मोदक तो मोदक ने फिल्म को उत्पादित किया गया है सलमान खान फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म को वितरित किया गया है जी स्टूडियो के द्वारा फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अगर आप बात करें तो 26 नवंबर 2021 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी कार्यकारी अवधि इस फिल्म की 135 मिनट की है और यह फिल्म इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था फिल्म का टोटल बजट चालीस करोड़ रुपये का था और इस फिल्म ने उनसठ करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बात करें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने जो वोटिंग करी है उसके हिसाब से इस फिल्म को क्या रेटिंग मिला है तो दोस्तों इस फिल्म को वोटिंग के आधार पर 6.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आई के ऊपर दर्ज की गई है वहीं पर 60 नाइन परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि ये दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और सलमान खान की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और एक्शन फिल्में अगर आपको पसंद हैं तो ये फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए तो ये फिल्म अगर आपको देखना है तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है जी के ऊपर जी हाँ दोस्तों ओ के प्लेटफॉर्म जी के ऊपर यह फिल्म उपलब्ध है यह फिल्म आप वहाँ पर देख सकते हैं बात करें इस फिल्म को और भी रेटिंग्स के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दी है और रोटन टमाटोज ने 21 परसेंट पॉजिटिव रिस्पांस इस फिल्म को दिए हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को और आप कहाँ देख पाएंगे तो दोस्तों इस फिल्म का प्रीमियर जी नेटवर्क के ऊपर होता रहता है तो आप जी सिनेमा के ऊपर आप इस फिल्म को देख सकते हैं अन्यथा अंतिम यूट्यूब के कौन से ऑफिशियली चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आप इस फिल्म को आसानी से अपने मोबाइल पर अपने वहाँ घर पर बैठ देख सकें तो दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और संबंधित जानकारियों के बारे में तो फिल्म अंतिम को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के तनन आदर्श में फिल्म को पांच में से साढ़े तीन स्टार की रेटिंग दिया और कहा कि पावर पैक बताया इस फिल्म को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को पांच में से तीन स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि तीव्र एक्शन और ड्रामा थोड़ा बहुत अधिक के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए कुछ बॉक्स चेक करती है यह माफिया डॉन द्वारा भूमि हड़पने के मुद्दे को भी उजागर करता है जो कानून को तोड़ने में सफल हो जाते हैं खलीज टाइम्स ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार की रेटिंग दी और लिखा अंतिम एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें शानदार ढंग से शूट किए गए एक्शन दृश्यों की भरपूर खुराक भी है जो कुछ अजीबोगरीब संवादों से अपसेट हैं जो आपको तमाम क़यामत खान की हुँ? तमाम कयामत और उदासी के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के आ, में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो सलमान खान इस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम राजवीर सिंह संधू है फिल्म और आयुष शर्मा ने इस फिल्म के अंदर राहुल का रोल किया है राहुल पाटिल का जिसको प्यार से उसके घर वाले राहुलिया बुलाते हैं महिमा मकवाना ने इस फिल्म के अंदर मांडवा का रोल किया है मंडा का रोल किया है महेश मांजरेकर इस फिल्म के अंदर सत्यवान यानी सत्या का रोल कर रहे हैं और सेन गुप्ता ने पित्या आ, बागरे का रोल कर रहा है करते हुए दिखे हैं दया बागरे के रूप में आप निकितिन धीर को देख पाएंगे सचिन खेड़ेकर ने दत्ताराम पाटिल यानी राहुल के पिता का रोल किया है छाया कदम ने धूर्पी पाटिल यानी राहुल की मां का रोल किया है ज्ञान गोपाल राहुल के बचपन के दोस्त के रूप में दिखाए गए हैं सिद्धार्थ दलवी इस फिल्म के अंदर सीमा पाटिल का रोल कर रहे हैं जो कि राहुल की बहन है सिद्धार्थ यानी सिद्धू के रूप में आप प्रेम धर्माधिकारी को देख पाएंगे नान्या भाऊ के रूप में आप उपेंद्र लिमये को देखेंगे समाजी सिंधे ने हेड कांस्टेबल उदय नानावरे का रोल किया है और वाष्यादास डिसूजा इस फिल्म के अंदर चिंगारी का रोल करते हुए नजर आए हैं लंकेश भारद्वाज सब्जी मंडी के दलाल के रूप में इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उदय टिकेकर राम शिविर शिंदे उर्फ सिंदे सेठ का रोल कर रहे हैं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 नवंबर 2020 को आयुष शर्मा के साथ शुरू हुई और सलमान खान दिसंबर 2020 में इस फिल्म के अंदर शूटिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करी साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का संगीत रवि बसुर और हितेश मोदक ने तैयार किया है और जबकि गीत वैभव जोशी नितिन रायकवार और सब्बीर अहमद ने लिखे हैं इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल पाँच गाने हैं अब बात करें इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर तो इस फिल्म के अंदर प्लॉट जो है उसके ऊपर कहानी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन पर खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और अपनी जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे एक दिन जमींदार सिंधे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुलिया चुनौती उसे देता है कि अगली जमीन वो अपनी ज़मीन वापस लेगा जल्द ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दोनों पिता और पुत्र सब्जी मंडी में कूली का काम करते हैं एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति के जबरन पैसा वसूलते हैं राहुलिया उनकी पिटाई करता है और जेल चला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात नान्या से होती है जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है जेल से रिहा होने के बाद राहुलिया नान्या से हाथ मिला लेता है और राहुलिया जल्द ही गलत से मेयर की हत्या भी हत्या का नाम भी कर नाम कर एक कम एक उनकी हत्या कर नाम कमा लेता है और नान्या ग्राहक ग्राहक को गवाहों की झूठी गवाहों के साथ हत्या को आत्महत्या बदल कर उसे फिर से वहाँ से बच जाता है अब यहाँ से वो गलत रास्ते पर चला जाता है रास्ते में उसकी मुलाकात यानी कि जो भी चीज़ें करता है उसके बाद उसकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर यानी जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं उससे होती है और फिर कहानी में क्या क्या मोड़े आती हैं ज़िंदगी कितनी भावह पयावह हो जाती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है तो दोस्तों अगर आपने भी इस फिल्म को नहीं देखा है अब तक तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है फिल्म में कदम कदम पर आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा भरपूर एक्शन के साथ इस फिल्म के अंदर आ, बहुत सारी इमोशंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सलमान खान सर के फ़ैन हैं एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर आयुष शर्मा के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी